नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शोभा। बिहार में सिवान जिले से मेरे चैनल में आप सभी के स्वागत। मेरे चैनल के नाम है शोभा की रसोई। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने किचन में। आज मैं क्या बनाने वाली हूं तो आप सभी को दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी गोभी पराठा। गोभी पराठा बनाने के लिए यहाँ पे हमने दो गोभी को अच्छे से कट करके इसे हम उबाल लिए हैं। देखिए ये हमारा गोभी बहुत सुंदर उबल गया है। तो इसे हम कद्दूकस कर लेते हैं। कद्दूकस करके हम इसे घिस लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दो आलू को उबाल करके हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। तो इसको हम डाल देंगे गोभी पराठे में बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा हाथ, हमने 4-5 दिन तक वीडियो नहीं बनाए हैं। ये हमारा हाथ कट गया है, थोड़ा ज़्यादा ही कट गया है, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो ये थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया, तो हम चले कर शुरू करते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहेगा। हमारे वीडियो आप लोग को पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, ढेर सारा शेयर करें। तो चले हम इसे कद्दूकस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने गोभी को कद्दूकस कर लिए हैं। बहुत देखिए मुलायम हमने इसे हैं, बहुत सुंदर। तो इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने पहले से आटा सान करके रखे हैं। तो हमारा आटा ये बहुत सॉफ्ट है। थोड़ा सा हमने घी लगाकर, देसी घी लगाकर इसे हमने भूने हैं। तो बहुत मुलायम है ये हमारा गोभी पराठा बनेगा। तो गोभी पराठा में डालने के लिए यहाँ पे हमने काट लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काटे हैं लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्च। आप चाहे तो इसमें डाल सकते हैं हरी धनिया पत्ते, तो हमने नहीं डाल रहे हैं। तो इसे चले हम भून लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम डाले हैं अजवाइन, 5 फोरन डाले हैं। तो हमारा ये फोरन चटक चुका है। इसमें हम डाल देते हैं प्याज, प्याज लहसुन जो काट कर रखे हैं उसको हम डाल देते हैं। पहले प्याज डालेंगे, प्याज भून लेंगे, उसके बाद हम डाल। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा प्याज भुना चुका है, थोड़ा गोल्डन हो गया है। तो इसमें हम डाल देते हैं लहसुन, अदरक, मिर्ची जो हमने काट कर रखे हैं उसको भी भून लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने मसाले निकाले हैं। हल्दी पाउडर यहाँ पे लिए हैं, सेला नमक, काली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। तो इसको हम डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं, गरम मसाला डाल सकते हैं। हम भी थोड़े से डालेंगे गरम मसाला। देखिए दोस्तों, ये हमारा सब्जी भुना चुका है। लहसुन, अदरक, मिर्चा, प्याज को हमने अच्छे से भून लिया। देखिए हमारा गोल्डन कलर हो चुका है प्याज लहसुन। तो इसमें हम डाल देते हैं जो गोभी को हमने मिक्स कर रखे हैं उसको भी डाल देते हैं। अब डाल देते हैं सभी मसाले को। उसके बाद हम आलू डाल करके भून लेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा गोभी भुना रहा है। तो देखिए कितना सुंदर इसमें कलर आया है। इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी गरम मसाला। गरम मसाला से थोड़ी इससे खुशबू ज्यादा आ जाएगा। तो इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला। देखिए कितना सुंदर ये कलर आया है। इसको हम अच्छे से भून लेते हैं ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए, कच्चा न रहे मसाला। इसे हम धीरे धीरे आँच में पका लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने गोभी को अच्छे से पका लिए, बहुत सुंदर से खुशबू आ रहा है। तो इसमें हम डाल देते हैं जो आलू उबाल कर हमने इसको रखे हैं, इसको भी डाल देते हैं। हमें ज्यादा आलू नहीं डालना है, थोड़ी सी डालना है। तो इस आलू को इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। बहुत ही सुंदर ये हमारा
गोभी पराठा बनेगा, बहुत टेस्टी लगेगा ये हमारा गोभी पराठा। तो प्लीज अपने घर पर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान तरीके से हमने बना रहे हैं गोभी पराठा। तो कोई झंझट नहीं है, कोई ज़्यादा सामान नहीं है, कम समय में बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो अपने खाइएगा, घर परिवार को खिलाइएगा, आपके आए घर आए हुए मेहमानों को खिलाइएगा गोभी पराठा, तो बहुत आप लोगों का तारीफ होगा। प्लीज़ एक बार जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने लोई काट लिए, चूनी बना लिए लोई के, तो इसमें हम भरेंगे ये जो हमने आलू गोभी पराठा बना रहे हैं, तो इसको हम इसमें भर लेंगे चुन्नी में, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं भरेंगे, नहीं तो इसका अंदर कवर नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो इसे हम अच्छे से अंदर कवर कर लेते हैं। देखिए इसी तरह कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम जो गोभी को स्टोपीज बनाए हैं, इसको हम इसमें अंदर कवर कर लिए, अच्छे से भर लिए हैं। तो इसको हम अच्छे से बेलन चौकी पर हम धीरे धीरे इसे बढ़ाकर। देखिए दोस्तों, हमने फिर से थोड़ा चूनी बना लिए हैं, तो बेलन के सहारे धीरे धीरे इसे हम थोड़े बेल लेते हैं, ज़्यादा नहीं पतला बेलना है हमें, थोड़ा सा हमें बढ़ाना है। तो इसे बढ़ा करके हमने हमारे वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक। देखिए हम बेल लिए हैं, तो यहाँ पे हमने तावे को रखा, गर्म हो चुका है, तो इसमें हम थोड़ी सी ऑयल लगा लेते हैं ताकि हमारा ये गोभी पराठा चिपके ना तवे में। तो देखिए दोस्तों, एक साइड का ही हमारा गोभी पराठा हो चुका है, तो इसमें हम रिफाइंड ऑयल लगा लेते हैं। आप चाहे तो इसमें घी बटर लगा सकते हैं, तो हमने रिफाइंड ऑयल लगाए हैं। तो दूसरी साइड हम पलट ले, दूसरी साइड का हो चुका है, तो इसमें हम रिफाइंड ऑयल लगा लेते हैं, क्योंकि हमारा ये गोभी पराठा बहुत सुंदर, बहुत टेस्टिंग बना है, तो खाने में बहुत टेस्टिंग लगेगा। देखिए इसी तरह हम सारे गोभी पराठे बना लेते हैं। देखिए कितना सुंदर ये हमारा गोभी पराठे बनकर तैयार हो रहा है। प्लीज अपने घर पर एक बार जरूर बनाइएगा, बहुत आसान तरीका है गोभी पराठे बनाने के लिए। तो आप इसे चटनी के साथ खा सकते हैं, सब्जी के साथ खा सकते हैं, पर हमने नहीं बनाए हैं, बहुत टेस्टिंग बनाए हैं इसका रेसिपी, बहुत टेस्टिंग है, तो बिना चटनी के बिना स्वाद अच्छा आएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा गोभी पराठा बनकर रेडी हो चुका है, तो हम इसे थाली में परोस लिए खाने के लिए। तो हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा पूरे एंड तक। हमारे वीडियो आप लोग को पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, ढेर सारा शेयर करें। तो हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोग के बहुत से बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।